हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारे प्रीलिम्स लॉकडाउन की सीरीज जिसमें कंप्लीट जीएस की पढ़ाई की जा रही है। तो फिर फटाफट देखते हैं अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ है हमारे ज्योग्राफी के सेक्शन में जो हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूएशन में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ था कई सारी चीजों के बारे में, लाइक प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोगों ने देख लिया है, फिर इसके आगे मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोगों ने देख लिया है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसी कंटिन्यूएशन में आगे डिस्कशन किया था। इसी कंटिन्यूएशन में आगे डिस्कशन करेंगे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉक सिस्टम के बारे में। रॉक सिस्टम क्या है, देन इसके बाद ही आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे हमारा प्लेटू का सिस्टम, लेक्स का सिस्टम, बाकी जो कुछ भी बचे हुए सिस्टम्स हैं। बाय दिस संडे वी विल ट्राई टू फिनिश आउट दिस जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीटली, और आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिएगा बिकॉज टाइम अब कम हो जाएगा रिविजन के लिए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का थ्योरी। स्टार्ट करने से पहले अगेन ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए, फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। बाकी हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसको कि आप देख सकते हैं। बाकी यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाते जाते कुछ क्वेश्चन देखे थे और उस क्वेश्चन को आप लोगों ने आंसर भी किया था। तो फटाफट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के बारे में यहां पर क्वेश्चन था। स्टेटमेंट नंबर वन बोलती है कि आफ्टर द इरप्शन ऑफ मैग्मा हैज सीज्ड द क्रेटर फ्रीक्वेंटली टर्न्स इनटू अ लेक कॉल्ड कैल्डेरा। तो बिल्कुल करेक्ट है, यही तो हम लोगों ने देखा था कि यहां पर कैल्डेरा जो होती थी वो कोलैप्स होकर के, मतलब कि जो टॉप थी वो कोलैप्स होकर के कैल्डेरा बना रही थी। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि ओरेगन लेक इन यूएस इज द लार्जेस्ट वोल्केनिक क्रेटर लेक इन द वर्ल्ड। देखिए ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग फैक्ट है, ये फैक्चुअल डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल में इंडोनेशिया में एक लेक है जिसका नाम है लेक टोगा, लेक टोबा एक्चुअली, और ये जो है लार्जेस्ट लेक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, आंसर इसका हो जाएगा ओनली एंड ओनली ए करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइलैंड आर्क के बारे में पूछा गया है। चलिए ठीक है, आइलैंड आर्क है, आइलैंड आर्क का मतलब हो गया कि ये मान लेते हैं कि कॉन्टिनेंट है, ये मान लेते हैं कॉन्टिनेंट है, बीच में बहुत सारे आइलैंड इस तरीके से बने हुए थे, जैसे हवाई हो गया, एक रिशनरी हो गया, तो बहुत सारे आइलैंड इस तरीके से बने हुए हैं। होगा कम ओशन ओशन कन्वर्जेंस, अ डेंसर डेंसर और ओशियनिक प्लेट सबडक्ट बिलो अ डेंसर, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हमारा इस तरीके से ओशन प्लेट था, दूसरी ओशन प्लेट थी, नीचे गया और हमारा इरप्शन स्टार्ट हो गया और हमारा इस तरीके से एक्सट्रीशनरी आइलैंड या फिर आइलैंड आर्क बनना शुरू हो गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एज द ओशन फ्लोर ओशियनिक प्लेट लोडेड विद सेडिमेंट सबडक्ट ऑन टू द सॉफ्टर एस्थोनोस्फीयर द रॉक आर कॉन्टिनेंटल साइड इज सबडक्शन डोंट बिकम मेटामॉर्फाइज। अगेन ये भी सेम चीज वही है, यही सेम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में ही बात की जा रही है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मैग्मा क्रिएट कांस्टेंट वोल्केनिक इरप्शन एट ओशन फ्लोर, ये भी करेक्ट है। अगेन देखिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और मैग्मेटिक इरप्शन हो गया। लास्ट ऑप्शन बोलता है सच वोल्केनिक लैंड फॉर्म ऑल अराउंड द बाउंड्री फॉर्म ए वॉलैंड आइलैंड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगेन वही चीज है, तो सारा का सारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, इसमें सारा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, आइलैंड आर्क बिल्कुल बनेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बाउंड्री पे जो भी चीजें बन रही होती हैं। तो क्लियर हो गया। चलिए खैर कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को यूज करके अपने डाउट रेस करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारा जो आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज द रॉक। रॉक के बारे में हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, रॉक के फॉर्मेशन, रॉक में क्या चीज हो रही है, कैसे कन्वर्ट होती है, रॉक के क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, ऑल दैट। तो रॉक में सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है रॉक की। तो रॉक का मतलब क्या होता है कि दे आर एग्रीगेट और फिजिकल मिक्सचर ऑफ वन और मोर मिनरल्स। इसमें फील्डस्पार और क्वार्ट्ज जो होते हैं सबसे मोस्ट कॉमन मिनरल पाए जा रहे होते हैं। फटाफट देखते हैं क्या चीज है। देखिए रॉक का मतलब क्या है, रॉक का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मैग्मेटिक मटेरियल। जब ये कूल डाउन हो करके सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलना शुरू कर दे रहे हैं रॉक एक तरीके से। ये क्या होगा एक तरीके से कि दिस इज एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, तो ये एग्रीगेट ऑफ मिनरल, या फिर कह सकते हैं कि दिस इज फिजिकल मिक्सचर ऑफ वन और मोर मिनरल। तो कई सारे मिनरल का ये आपस में मिक्सचर होगा। जैसे हम लोगों ने बोवेंस रिएक्शन के बारे में बात किया था, उस बोवेंस रिएक्शन में हम लोगों ने कहा था कि ए बी सी डी चार तरीके के मिनरल है जो बेसिकली एक
कंपोजिशन बना रहे होंगे अपना, और इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली हमारा एक तरीके का मिनरल स्ट्रक्चर बन गया, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि एग्रीगेट ऑफ मिनरल या फिर फिजिकल मिक्सचर। और ये अल्टीमेटली जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे, इट इज अ रॉक। क्लियर हो गया? हम तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक को बोली जाती है पेट्रोलॉजी, या अगेन एक फैक्ट है छोटा सा जो ध्यान रखिएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड रॉक, व्हाट इज माउंटेन एंड व्हाट इज रॉक। देखिए दो ये अलग अलग कंसेप्ट है, माउंटेन अलग चीज होती है, रॉक अलग चीज होती है। रॉक का मतलब होता है कि एग्रीगेट, एग्रीगेट या फिर बोल सकते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, जबकि माउंटेन का मतलब होता है एक तरीके का ये लैंडफॉर्म होता है, और ये लैंडफॉर्म हाइट अचीव किए हुए है, और इसकी हाइट जब एक सर्टेन हाइट से, कुछ हाइट से ज्यादा हो जाती है तो हम इसको माउंटेन बोलना शुरू कर दे रहे होते हैं। तो माउंटेन इज अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, जैसे प्लेटू हो जाती है, प्लेटू भी एक तरीके का लैंडफॉर्म है, हमारी माउंटेन हो गई एक तरीके का लैंडफॉर्म है, प्लेन हो गई एक तरीके का लैंडफॉर्म है, वैली हो गई एक तरीके का लैंडफॉर्म है। और जबकि रॉक, रॉक से माउंटेन भी बन सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल मिक्सचर है, इससे प्लेटू भी बन सकते हैं क्योंकि अगेन ये हमारा मिक्सचर दे दे रहा होता है। तो आई होप आप दोनों को इन दोनों में सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि माउंटेन क्या चीज होती है और रॉक क्या चीज होती है। सिंपल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और अगर आसान भाषा में समझाऊं तो समझ लीजिए कि माउंटेन हमारा आइसक्रीम की कोन है, आइसक्रीम की कोन है, और रॉक हमारा एक्चुअल आइसक्रीम है। ठीक है, तो आइसक्रीम की कोन का मतलब ये हो गया कि आप इसको कोई भी स्ट्रक्चर दे सकते हैं, लाइक आप इसको बकेट भी दे सकते हैं, आप इसको कोन शेप दे सकते हैं, कोई शेप दे सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम के बारे में दिस इज द मटेरियल थिंग, ये तो कहीं पर भी जहां पर भी आपको फिल करना चाहेंगे वहां पर फिल हो जाएगा। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स के आखिर में जो रॉक फॉर्मेशन है वो रॉक फॉर्मेशन होती कैसे है। तो देखिए रॉक फॉर्मेशन होने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, सबसे पहले होती है कि मैग्मेटिक इरप्शन हो जाती है। तो ये आपकी मैग्मेटिक इरप्शन हो गई है, और ये इरप्शन क्यों हुई है इसको तो आपको पता ही है कि ये वोल्केनो के कारण से इरप्शन हो रही होती है, और इसके पीछे भी रीजन क्या होती है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। और इसमें जो मेन कह लीजिए कि ड्राइविंग फोर्स होती है वो फोर्स होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अब ये मैग्मा जब क्रिस्टलाइज होगा, क्रिस्टलाइज का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि सॉलिडिफाई होगा, और सॉलिडिफाई होने के बाद क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जा रही होती है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट होना। क्रिस्टल फॉर्मेट में कब कन्वर्ट होगी, जब ये ठंडा होना शुरू कर देगा, कूल होना शुरू कर देगा, सॉलिड फॉर्मेट में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। क्रिस्टलाइज होने के बाद जो रॉक बनती है उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। ये क्या चीज होती है अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। समझ जाइए कि एक तरीके का रॉक का सिस्टम ही है। इग्नियस रॉक जब बन जाएगा तो हमारा क्या है, एक माउंटेन रेंज इस तरीके से भी बन सकता है, और सिर्फ माउंटेन नहीं हमारी प्लेटू भी बन सकती है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा सच कोई जरूरी नहीं है कि केवल और केवल माउंटेन ही बनेगा, प्लेटू भी बन सकती है। लेकिन ये माउंटेन हो चाहे प्लेटू है, दोनों के दोनों एक्सटर्नल एजेंट के संपर्क में आते हैं। एक्सटर्नल एजेंट जैसे जैसे विंड हो गया, ग्राउंड वाटर हो गई, रिवर हो गया, ग्लेशियर हो गई एटसेट्रा, इन लोग के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। इरोजन होगा, टूटेगा तो क्या होगा, सेडिमेंट्स इकट्ठा होंगे। भाई टूटेगा तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा ना, तो टूटे हुए मटेरियल को हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं। सेडिमेंट अब इन्हीं एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे और अल्टीमेटली एक जगह पे ले जाकर के उसकी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। इस डिपोजिशन के बाद यहां पर इसका अगेन एक तरीके से सॉलिडिफिकेशन होना शुरू होता है, जिसको हम लोग लिथिफिकेशन बोलते हैं। ये लिथिफिकेशन क्या होता है अभी हम लोग थोड़ी देर में इसको बारे में भी डिस्कस करेंगे। खैर जब सेडिमेंट हमारे डिपॉजिट हो जाएंगे तो डिपॉजिट होने के बाद एक ही जगह पर जब बहुत सारे डिपॉजिशन हो जाएगा तो अगेन एक तरीके का स्ट्रक्चर ये ले लेगा, और ये स्ट्रक्चर माउंटेन भी हो सकता है और अगेन ये भी प्लेटू भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है, इनफैक्ट प्लेन भी हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोल देते हैं सेडिमेंटरी रॉक, क्योंकि ये सेडिमेंट के जमने से बना हुआ है, सेडिमेंट के एक जगह पर रुकने से बना हुआ है। इस सेडिमेंट में जब स्ट्रक्चरल या टेक्सचरल चेंज हो रही होती है, क्यों हो रही होती है, हाई प्रेशर और
हाई टेम्परेचर के कारण से यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो जो चेंज देखने को मिलता है उस चेंज के बाद हम लोग इस रॉक को बोलना शुरू कर देते हैं कि ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कन्वर्जन या फिर कह लीजिए रूपांतरण, कन्वर्जन इन स्ट्रक्चर। तो जब स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं मेटामॉर्फिज्म, एंड दिस इज हाउ मेटामॉर्फिक रॉक बन रही होती है। ये मेटामॉर्फिक रॉक वापस से मेल्ट जब कर जाएगी तो सीधी बात है कि वो मैग्मेटिक रूप में निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन ये उठता है क्या ये आपस में ये जो बीच बीच में लिखा है ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि देखिए एक स्ट्रक्चर जैसे इग्नियस है, इग्नियस दूसरे स्ट्रक्चर में बदलना आसान होता है, दूसरे स्ट्रक्चर में बदलना बदल सकता है। जैसे इग्नियस के बारे में बात करें तो इग्नियस से मेटामॉर्फिक बिल्कुल जा सकती है अगर इसको भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर दिया जाए तो। जैसे बहुत सारी रॉक्स हैं, जैसे आर्कियन रॉक हो गई, धारवाड़ रॉक हो गई, ये सारा मेटामॉर्फिक कनेक्शन मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जा रहा होता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चरल एंड केमिकल चेंजेस। और इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्लियर हो गया। सिमिलरली ये स्ट्रक्चर अगेन और केमिकल चेंजेस लेकर के हमें एक नया मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। क्या होता है अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, बस आप ये समझिए कि मटेरियल जो होता है चेंज होते रहता है। सिमिलरली सेडिमेंट्री वाला भी चेंज हो जाता है, यानी इग्नियस रॉक एज वेल एज सेडिमेंट्री रॉक दे ऑल कैन कन्वर्ट इन मेटामॉर्फिक रॉक। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और टेक्सचरल चेंज और केमिकल चेंज हो जा रहा होता है जिसके कारण से हमारी जो रॉक है वो कन्वर्ट हो जा रही होती है। अब चाहे मेटामॉर्फिक रॉक हो, चाहे इग्नियस रॉक हो, चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, दोनों ही रॉक अब भाई एक्सटर्नल एजेंट के संपर्क में तो बहुत आराम से आ सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंट के संपर्क में आने पे क्या हो जाएगा? वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो चाहे सेडिमेंट्री हो, चाहे मेटामॉर्फिक हो, चाहे इग्नियस ही क्यों ना हो, सबकी वेदरिंग हो जाएगी और अल्टीमेटली सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। यानी एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्टेबल है, बस इग्नियस रॉक केवल और केवल इंडिजिनस रॉक बोला जाएगा, अपना खुद का रॉक बोला जाएगा, क्योंकि ये मैग्मा से ही सिर्फ बन सकता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे के सक्सेसिव डिस्कशंस में हम लोग इसको और अभी डिटेल में स्ट्रक्चर डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्या आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से हमारी रॉक फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पे हो रही है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में कि आखिर में क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखिए रॉक को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती है इग्नियस रॉक, दूसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक और तीसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर हो गया। इन तीनों रॉक के बारे में जरा वन बाय वन करके डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले आती है हमारी इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती है? अभी हम लोगों ने देखा है कि ये मैग्मेटिक इरप्शन के बाद, मैग्मेटिक इरप्शन के बाद ये निकल करके सामने आ रहा होता है। अब सीधी सी बात है, हम लोगों ने इतना वोल्केनो के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जहां पर हम लोगों ने देखा था कि मटेरियल ग्रेनाइट का हो सकता है, मटेरियल एंडेसाइट का हो सकता है, मटेरियल बसाल्ट का हो सकता है और मटेरियल पेरिडोटाइट का हो सकता है। हालांकि पेरिडोटाइट मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन बाकी सारे जो मटेरियल है वो बाहर निकल जा रहे होते हैं। इस मटेरियल से हम लोगों ने देखा था कि हमारा कंपोजिट वोल्केनो बन रहा था, इस मटेरियल से हम लोगों ने देखा था कि शील्ड वोल्केनो बन रहा था, और इस वोल्केनो से हम लोगों ने देखा था कि ये एक तरीके से डूम शेप मटेरियल बन रहा होता था। तो हम लोगों ने सारा मटेरियल देख लिया है, चाहे वो हमारा इस तरीके का कंपोजिट हो, चाहे वो हमारा इस तरीके का शील्ड हो, चाहे वो हमारा इस तरीके का डूम शेप हो। अब ये तीनों के तीनों तो मैग्मेटिक मटेरियल ही हैं, मैग्मेटिक हैं, ये भी मैग्मेटिक है और ये भी हमारा मैग्मेटिक है। तो तीनों के तीनों ही हम लोग क्या बोलेंगे, तीनों के तीनों ही एक्चुअल में इग्नियस रॉक है। दीज ऑल आर इग्नियस रॉक। क्लियर हो गया इग्नियस रॉक का मतलब क्या है, कहां से आया? तो आप कह सकते हैं कि इग्नियस रॉक बेसिकली अंदर का जो भी मेंटल मटेरियल है या फिर मेंटल मैग्मेटिक मटेरियल है, ये सारा का सारा जब बाहर आकर के जम जाएगा तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया है। तो इग्नियस रॉक आर प्राइमरली फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा एंड आर नोन एज प्राइमरी रॉक। इनको प्राइमरी रॉक बोला जाता है क्योंकि इनका बनने का, इनके फॉर्मेशन का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इनको इग्नियस, इनको इंडिजिनस भी बोला जाता है, इंडिजिनस रॉक। ठीक है, इंडिजिनस रॉक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? सीधी सी बात है, अगेन इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है।
एग्जाम्पल के टाइप में अगर बात करें तो देखिए, जैसे ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गई, पेगमेटाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्कस किया है, बेसिकली वही यहाँ पर एग्जाम्पल्स बन जा रहे होते हैं। इग्नियस रॉक आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। अब जैसे देखिए, जब भी ये मटेरियल यहाँ पे जमेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिलिका रहेगा, साथ में कुछ अदर मटेरियल्स भी रहेंगे। अदर मटेरियल का मतलब आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरीके से हमारे पास मटेरियल्स रहेंगे यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह सब चीजें होंगी। लेकिन जो सिलिका होगी, बेसिकली वो क्या है, एक तरीके की, जैसे धूल देखा है ना, बालू आपने, सैंड, तो बेसिकली दैट इज सिलिका। तो सिलिका जब भी जमेगी इस पे, तो इस तरीके से चमकना शुरू हो जाएगा, तो बेसिकली ये क्रिस्टल फॉर्मेट में रहेगी। तो क्रिस्टल फॉर्मेट में होने के कारण से ही इसको हम लोग क्रिस्टलाइन इन नेचर बोल देते हैं, क्योंकि मटेरियल्स आर बेसिकली सिचुएटेड हेयर एंड देयर, इस तरीके से इधर उधर सिचुएटेड होंगे, कंपोजिशन में बना करके रखे होंगे और अपने आप को क्रिस्टलाइन नेचर में रखे रहेंगे। क्लियर हो गया क्या चीज है यहाँ पर? इन रॉक को हम लोग एक्सक्लूसिव रॉक बोलते हैं, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। इन रॉक्स को हम लोग एक्सक्लूसिव रॉक बोलते हैं बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड आफ्टर रैपिड कूलिंग ऑफ लावा थ्रोन आउट ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, जैसे बसाल्ट हो गया, डेक्कन ट्रैप में हो गया, तो इनको हम लोग एक्सक्लूसिव बोलते हैं। अब जरा देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंट्रूसिव के बारे में भी बात किया था और हम लोगों ने एक्सक्लूसिव के बारे में भी बात किया हुआ था। इंट्रूसिव के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो भी अर्थ के इंटीरियर में ही केवल और केवल रह जाएगा, उसको हम लोगों ने बोला था इंट्रूसिव। ये इसके नीचे होगा, सीधी सी बात है, कोई भी रॉक सिस्टम सरफेस के तो ऊपर ही होगा, सरफेस के नीचे चला गया तो कोई मतलब ही नहीं है। सरफेस के ऊपर चला गया तो यहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था और इस तरीके से चीजें बाहर निकल के आ गई थी। चीजें जब बाहर निकल के आ जाएंगे तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि रॉक आ गया है, और रॉक आ गया है, जम गया है, मैग्मा है, तो सीधी सी बात है क्या बन गया, इग्नियस बन गया। तो एक तरीके का ये कैसा होगा, एक तरीके से ये एक्सक्लूसिव रॉक होगा जो कि रैपिड कूलिंग के बाद बना हुआ होगा। क्लैरिटी आ गई क्या चीज है? इंट्रूसिव रॉक क्या होता है, आपको पता ही है कि समटाइम्स मोल्टन मटेरियल इज नॉट एबल टू रीच द सर्फेस, इंस्टेड कूल डाउन वेरी स्लोली एट ग्रेट डेप्थ, स्लो कूलिंग बिसाइज क्रिस्टल टू बी फॉर्म। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल। सीधी सी बात है, ग्रेनाइट मटेरियल ही नीचे दबा रह सकता है, एक्सपोज नहीं होगा, क्योंकि अब कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर बसाल्ट हो गया या एंडेसाइट हो गया या पेरिडोटाइट हो गया, ये तो कन्वर्ट हो ही सकते हैं। तो अब आपको बेसिकली ये बोवेन रिएक्शन की जो सीरीज थी उसका आपको एप्लीकेशन मिल रहा है, अब आपको और कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। चलिए खैर, इसके अलावा अगर इग्नियस रॉक के बारे में बात करें तो इग्नियस रॉक बताइए क्या फॉसिल फेरस हो सकती है? फॉसिलीफेरस नहीं, फॉसिलीफेरस नहीं हो सकती है, दीज आर अनफॉसिलीफेरस। क्यों? क्योंकि फॉसिल्स के जमने के लिए यू नीड लेयरिंग, और इसमें लेयरिंग होती नहीं है क्योंकि एक साथ यहां पर चीजें जमा हो जा रही होती हैं, तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेयर्ड नहीं होता है। फॉसिलीफेरस होता है? नहीं, फॉसिलीफेरस भी नहीं होता है। क्रिस्टलाइन होता है? यस, क्रिस्टलाइन होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है। एक्सक्लूसिव रॉक होती है? यस, एक्सक्लूसिव रॉक हो रही होती है। तो प्रॉपर्टी सारी पता चल गई, समझ में भी आ गया और चीजें क्लियर भी हो गई आपको। अगला बढ़ते हैं, आगे हमारी आती है सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। हम लोगों ने देखा था सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनेगा, या तो हमारा जो इग्नियस रॉक है, इस इग्नियस रॉक के टूटने से बनेगा, सीधी सी बात है, इसके इरोजन से जो भी मटेरियल इकट्ठा होगा, कह सकते हैं कि जो भी सेडिमेंट इकट्ठा होगा, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक के, मेटामॉर्फिक रॉक के भी इरोजन से जो भी मटेरियल इकट्ठा होगा, उस सेडिमेंट के आपस में कॉम्पैक्शन से, सेडिमेंट आपस में जुड़ेगा, कंपैक्ट होगा, और कंपैक्ट होने के बाद एक रॉक सिस्टम बनाता है। इस रॉक सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कि ये एक सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है। क्लियर हो गया सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या है? क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछा है सेडिमेंट्री रॉक केवल और केवल क्या इंडिजिनस रॉक की प्रॉपर्टी रखेगा, तो नहीं, ये मेटामॉर्फिक की भी रखेगा, क्योंकि मेटामॉर्फिक से भी ये इरोड होकर के निकल करके आ रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने जो वोल्केनिक में, मतलब कि इग्नियस में देखा था, वहां से देखते हैं। क्या ये प्राइमरी रॉक होगी? नहीं, इसको प्राइमरी रॉक नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि ये इग्नियस से भी बन सकती है और मेटामॉर्फिक से भी बन सकती है। डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट ओरिजिन, दिस इज डिपेंडेंट ईदर ऑन इग्नियस रॉक और ऑन मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्लैरिटी आ गई। चलिए, लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा? बिल्कुल लेयरिंग होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि पहले एक लेयर जम करके आएगी, ये जमेगी, यहां पर कॉम्पैक्ट होगा, फिर उसके बाद से दूसरी लेयर आएगी, दूसरी लेयर इस तरीके से कॉम्पैक्ट होगी, फिर तीसरी लेयर आएगी, तीसरी लेयर कॉम्पैक्ट होगी,
फिर उसके बाद से चौथी लेयर आएगी, चौथी लेयर कॉम्पैक्ट होगी और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एक सेडिमेंटरी रॉक का सिस्टम बन पाएगा। तो लेयर्ड होती है, क्या इसमें फॉसिलिफेरस होती है? यस, फॉसिलिफेरस होगी ही होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, यहां पर मान लेते हैं कोई एक लेयर बनी, यहां पर मान लेते हैं कोई जीव जंतु कुछ भी आ गए, अब वो दब गए तो इसके अंदर में फिर से एक लेयर जम गई तो फॉसिल्स आ गया तो पेट्रोलियम पाया जाएगा यहां पर, चाहे वो पेट्रोलियम हो चाहे नेचुरल गैस हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट यही वो जगह ही है जहां से पेट्रोलियम वगैरह निकल रहे होते हैं। तो सारा चीज क्लियर हो गया क्या चीज है? अच्छा, क्या ये एक्सक्लूसिव होगा या इंट्रूसिव होगा? ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव ही होगा, कोई और अदर चांस ही नहीं एक्सक्लूसिव होने के अलावा। क्लियर हो गया? नाउ इसके बारे में जरा देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब जरा देखते हैं। देखिए, इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ डेन्यूडेशन, जिसको हम वेदरिंग या फिर इरोजन के नाम से भी जानते हैं। दीज डिपॉजिट्स थ्रू कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक, जिसको कि हम लोग लिथिफिकेशन भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने जो कंपैक्शन कराया था, एक्चुअल में उसका टेक्निकल नेम होता है लिथिफिकेशन। ठीक है, ये 75% ऑफ अर्थ क्रस्ट कवर कर रहा होता है, और वॉल्यूम वाइज अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5% ही कवर कर रहा होता है। ठीक है, रॉक कंसिस्ट ऑफ लेयर, ठीक है, लेयरिंग हो जाती है, फॉसिलिफेरस होता है, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी समझ गए हैं। जो यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ सैंडस्टोन जो पाए जा रहे होते हैं, मध्य प्रदेश में हो गया, चाहे राजस्थान में हो गया, या हिमालय के पास में हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मतलब ये जितने भी रॉक्स होते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर जो रॉक पाए जाते हैं वो दो तीन तरीके के टाइप के होते हैं। जैसे एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अरावली टाइप, अरावली माउंटेन टाइप, दूसरी होती है जिसको हम लोग धारवाड़ टाइप बोलते हैं, तीसरी होती है जिसको हम लोग कटप्पा टाइप बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक होती है आर्कियन टाइप होती है। ये जो टाइप्स होती हैं बेसिकली वो एक तरीके की सेडिमेंटरी रॉक टाइप ही हो रही होती है, सेडिमेंटरी रॉक टाइप। इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, नाम ही सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी ऑप्शनल वाले लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है कि फॉर्मेशन के हिसाब से इसको क्लासिफाई किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, इसको क्लासिफाई करने का कई सारा तरीका हो जाता है। जैसे हमारी जो रॉक बनी है सेडिमेंटरी रॉक, किस किस तरीके से बनी है देखते हैं। ये हमारी, हमें पता है कि इग्नियस से भी बन सकती है और हमारी मेटामॉर्फिक से भी बन सकती है। ये पता है हमें कि इन दोनों के इरोजन के बाद ही चीजें बन सकती हैं। अब इरोजन बेसिकली पूरा का पूरा गेम बताएगा कि इसके गेम के रूल्स क्या क्या हैं। तो देखते हैं गेम का रूल क्या है। एक तरीका है जहां पर विंड या रिवर आ सकता है, तो विंड क्या करेगा, मैकेनिकली इसको तोड़ेगा। तो मैकेनिकली जब तोड़ेगा तो मैकेनिकली ले जाकर उसको डिपॉजिट भी कर देगा। तो इस तरीके के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड। यहां पर विंड कैरी करके लेकर के आता है, एक दूसरे के ऊपर फिर जमाना शुरू कर देता है, लिथिफिकेशन प्रोसेस होती है, और उस लिथिफिकेशन के बाद अल्टीमेटली हमें एक सेडिमेंटरी रॉक सिस्टम बन जा रहा होता है। एग्जांपल के रूप में जैसे सैंडस्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, लाइमस्टोन हो गई, हालांकि लाइमस्टोन केमिकल फॉर्मेट में ज्यादा मिलता है हमें, शेल हो गई, ये सब चीजें हमें मैकेनिकली फॉर्म्ड सिस्टम के फॉर्मेट में मिलती है। इसके बाद होती है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, वो मरीन एनिमल या फिर कोई भी ह्यूमन एनिमल, ठीक है, दोनों ही फॉर्मेट में अगर आकर के दब जाता है, दबने के बाद फिर अल्टीमेटली एक सिस्टम बना देता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम कहां से आया, हड्डियों से आया, स्केलेटन से आया, और इस तरीके से जो रॉक सिस्टम बन जा रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। अब ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड क्या क्या होंगी, सीधी सी बात है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट तरीके का ही होगा। तो जैसे कोल हो गया, स्मॉल डोलोमाइट हो गई, लाइमस्टोन हो गई, क्यों लाइमस्टोन, क्योंकि अगेन कैल्शियम होता है ना, स्केलेटन होती है, फॉर्म दिस फॉर्मेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेब्रिस। क्लियर हो गया। फिर आती है हमारी केमिकली फॉर्म्ड। केमिकली फॉर्म्ड बेसिकली जो होती है वो वॉटर के कारण से हो रही होती है। अब ये वॉटर के कारण से क्या, पानी रहेगा H2O मान लेते हैं, कैल्शियम का कैल्शियम है मान लेते हैं, हाइड्रोक्साइड है ये, इसको कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअल में होगा, ये मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना करके इसको घोल करके वाटर में ये कैरी करेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा और वाटर जहां पर भी इसकी कैरी करने की क्षमता खत्म हो जाएगी वहीं पर ये इसका डिपोजिशन करना शुरू कर देगा, और डिपोजिशन करने के कारण हमें कैल्शियम रॉक्स मिलना शुरू हो जाएंगी, जिसको कि हम लोग सेडिमेंटरी रॉक बोलेंगे। हुआ क्यों, केमिकल प्रॉपर्टी किसके, वाटर के, इस वजह से हमें इस तरीके का केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटरी रॉक देखने को मिल रहा होता है। कुछ समझ में आया सेडिमेंटरी रॉक का केमिकल फॉर्मेशन, एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं जैसे सॉल्ट हो गया, NaOH इस तरीके से कन्वर्ट होती है और NaCl के फॉर्मेट में मिल जा रही होती है।
सिमिलरली आयरन ओर हो गई, चर्ट हो गई, फ्लिंट हो गई, डोलोमाइट्स हो गए, लाइम स्टोन हो गई। तो लाइम स्टोन बेसिकली केमिकली फॉर्म्ड होता है, बाकी तो देखिए मैकेनिकली फॉर्म्ड भी हो सकता है क्योंकि वाटर में मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी हो रही होती है। ये लैंड फॉर्म में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल आपको ये तो समझ में आ ही गया कि सेडिमेंटरी रॉक क्या है, कैसे बन रहा है। क्लियर, आगे बात करते हैं। लास्ट हमारा आता है मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। मेटामॉर्फिक के बारे में हम लोगों को ये पता हो गया है कि इग्नियस हो चाहे सेडिमेंटरी हो, इन दोनों को कंपैक्ट करेंगे। दोनों को जब कंपैक्ट करेंगे तो कंपैक्ट करने के बाद जो भी रॉक सिस्टम निकल के आएगी उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ये जो कंपैक्शन है वो क्या है, इसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रखना, इससे होगा क्या, इससे जो मान लीजिए एयर ट्रैप्ड है या जो कुछ भी ट्रैपिंग अगर है अंदर वो रिलीज हो जाएगी और अल्टीमेटली ये प्योरली कंपैक्टेड सरफेस बन करके हमें मेटामॉर्फिक रॉक दे दे रहा होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या क्रिस्टलाइन होगा, तो देखिए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्यों, इग्नियस साइड से अगर बनेगा तो एक क्रिस्टलाइन हो जाएगा, सेडिमेंटरी टाइप से बनेगा तो एक क्रिस्टलाइन नहीं होगा। क्या ये लेयर्ड होता है, अगेन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग इग्नियस से बना है या सेडिमेंटरी से बना है। सिमिलरली फॉसिलिफेरस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और वो आप लोग मतलब समझ ही चुके हैं अब क्या चीज है। तो दिस फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एक्चुअल में पीवी बराबर एनआरटी वाला जो केस होता है उसी से काम कर रहा होता है। आइडियल गैस इक्वेशन को लेकर के ही हम लोग काम कर रहे होते हैं, रियल गैस में थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है इसी वजह से। चलिए खैर, मेटामॉर्फिज्म अकर्स व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल बाय टेक्टोनिक रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल। तो बेसिकली यहां पर मेटामॉर्फिज्म के बारे में ही समझाया जा रहा है कि किस तरीके से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर काम कर रहा होता है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी और बाकी रिक्रिस्टलाइजेशन ही यहां पर किया जा रहा होता है। इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक ग्रेन्स एंड मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन अ लेयर और लाइम इज कॉल्ड फोलिएशन और लीनिएशन। एक जो लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्जन हो रही होती है, एक लीनियर फॉर्मेट में जो कह दीजिए कंपैक्शन हो रही होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनिएशन या फिर फोलिएशन। ये कुछ एग्जांपल्स है जो सेडिमेंटरी या इग्नियस रॉक होते हैं और अल्टीमेटली प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के कारण से ये मेटामॉर्फाइज हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेनाइट के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये ग्रेनाइट हमें इग्नियस होती है, इग्नियस ग्रेनाइट होती है जो कि प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ग्नीस में कन्वर्ट हो जा रही होती है। सिमिलरली क्ले शेल हो गई, ये क्ले या शेल जो है ये हमारी होती है सैंडस्टोन के फॉर्मेट में, या कह सकते हैं कि दिस इज सेडिमेंटरी इन नेचर और ये हाई प्रेशर के कारण से शिष्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली सैंडस्टोन जो कि एक सेडिमेंटरी है, ये हीट के कारण से टेम्परेचर के कारण से क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जा रही होती है। क्ले शेल कन्वर्ट हो सकती है अगर प्रेशर देंगे तो शिष्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर टेम्परेचर देंगे तो स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही अगर फिर से और देंगे हीट तो फाइलाइट में कन्वर्ट हो जा रही होती है। तो आप इन दोनों एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा कि आखिर में प्रेशर दिया जा रहा है या टेम्परेचर दिया जा रहा है। फिर हम आती है कोल, सो अगेन सेडिमेंटरी हो जाती है, हीट दिया जाएगा तो एंथ्रासाइट में या फिर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जा रही होती है। इनफैक्ट दिस कैन ऑल्सो कन्वर्ट इन डायमंड, ये डायमंड में भी कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली लाइमस्टोन जो कि एक सैंडस्टोन है, ये जो होता है हीट कन्वर्ट करके अल्टीमेटली मार्बल में कन्वर्ट हो जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है, ये जितना भी एग्जांपल हम लोगों ने यहां पर देखा है ये सारा आपको याद करना है, रट्टा मारना है, ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है आज के लिए, एंड दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है इग्नियस रॉक के बारे में क्या कुछ है, बाकी यहां पर भी कुछ रॉक सिस्टम से रिलेटेड है। अगेन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपने हिसाब से कमेंट करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई डाउट होता है टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, मटेरियल भी डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है, इसको मैं अपडेट कर दिया करूंगा तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।